परम आदरणीय प्रदेश के सभी विद्यालयों के मुखियाओं और सीट एजुकेशन से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर जिनमें दिव्यांग बच्चों के माता पिता, अध्यापकगण और समाज का वो हिस्सा जो इन दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए समाज में काम कर रहे हैं, मैं उन सभी का आज इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ बोर्ड की ओर से, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से। मैं आपको इस बारे में अवगत करना चाहूँगा कि भारत सरकार के साथ साथ हरियाणा का जो संबंधित विभाग है वह शिक्षा बोर्ड है दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए कितने चिंतित हैं, इसी कड़ी में वो समय समय पर अपने प्रयास जारी रखते हैं और इन प्रयासों के तहत ही मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार को निर्देश दिए गए थे कि दिव्यांग परीक्षार्थियों को जितनी भी सुविधाएं बोर्ड के लेवल पर, विद्यालय के लेवल पर, शिक्षा विभाग के स्तर पर दी जानी है वो उनको मुहैया करवाई जाए, और उसी कड़ी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने और शिक्षा विभाग ने मिलकर ना जो कार्य की है वो हमने अपनी बोर्ड के वेबसाइट पर एक अधिसूचना के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए जारी किए हैं। और क्योंकि अब बोर्ड परीक्षाओं का समय नजदीक आ चुका है, इसी कड़ी में हम ये चाहते हैं कि कोई भी दिव्यांग परीक्षार्थी अपनी उनको उसको मिलने वाली सुविधाओं से वंचित ना रहे, इन्हीं प्रयासों के तहत आज हमने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन सभी स्टेक होल्डर को जोड़ा गया है जो दिव्यांग परीक्षार्थियों के सहयोग के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। इन स्टेक होल्डरों में हमने विद्यालय के मुखिया, जो विद्यालय ने उन परीक्षार्थियों को सुविधाएं दी जानी है उसके लिए सभी उन अध्यापकों को जागरूक करते हैं जो परीक्षार्थियों से जुड़े हुए हैं, और अध्यापक जो बच्चे सीधा जुड़ा हुआ है वो भी उन दिव्यांग परीक्षार्थियों को जो उनके उनको मिलने वाली बोर्ड की तरफ से सुविधाएं हैं उनके प्रति जागरूक करेंगे। और परीक्षाओं में जिस प्रकार की भी सुविधा नियमों में प्रावधान किया गया है उनको दी जानी है, उससे कोई वंचित ना रहे, इसी कड़ी में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं अभी आमंत्रित कर रहा हूँ बोर्ड के सचिव श्री कृष्ण कुमार जी SCS को, जो विस्तार से जो बोर्ड की ओर से सुविधाएं दी जा रही है उनके बारे में बताएंगे। तो मैं माननीय कृष्ण कुमार जी सचिव महोदय सेक्रेटरी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आए और अपना जो प्रशिक्षण के हेडलाइन है जो मुख्य मुख्य बिंदु है उन पर प्रकाश डालें। कृष्ण कुमार जी, दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के परीक्षा पंजीकरण के समय मांग करने पर ब्रेल लिपि में प्रश्न पत्र दिया जा सकता है और कंप्यूटर बड़े अक्षरों में प्रश्न पत्र की व्यवस्था की जा सकती है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में ऐसे परीक्षार्थी जो CEEDEducation कैटेगरी में आते हैं उनको बूथ पर यानी ग्राउंड फ्लोर पर बैठाने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। ऐसे दिव्यांग परीक्षार्थी जो 40% या इससे अधिक दिव्यांग है उन परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा के समय निःशुल्क लेखक की सुविधा प्रदान की जाती है बोर्ड द्वारा। सभी विद्यालय मुखिया अपने स्कूल के अंदर जो भी इस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको ये सुविधा दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए जो भी जो प्रोसीजर है उसको बच्चे से कंप्लीट करवाएंगे और उसकी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है, तो इस कैटेगरी के बच्चों को वो सुविधा भी प्रोवाइड करवाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने CEEDEducation बच्चों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों के पंजीकरण शुल्क में छूट दी गई है। इन बच्चों की जो परीक्षा शुल्क है वो माफ किया गया है और साथ ही जो विशेष विद्यालय है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के जो परीक्षा केंद्र है उन स्पेशल स्कूल है उनके अंदर ही बनाए गए हैं। और परीक्षाओं के अलावा बच्चों को इनका जो भाषाएं हैं अनिवार्य दो भाषाओं में से एक भाषा की छूट दी गई है और गणित विषय विज्ञान विषय में अलग से प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाते हैं और अन्य विषयों में डायग्राम चित्र ग्राफ की आवश्यकता वाले प्रश्नों के विकल्प में दूसरे प्रश्न पत्र भी
दिए जाने की सुविधा दी जाती है। दृष्टिहीन विद्यार्थियों को संगीत विषय को छोड़कर अन्य विषयों जैसे ड्राइंग, गणित में ज्योमेट्री, विज्ञान विषय में प्रायोगिक परीक्षा से छूट दी जाती है। तो सभी विद्यालय मुखियाओं से एक बार फिर यही अनुरोध है कि जो भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा इन बच्चों को सुविधाएं दी जाती है उनको इन बच्चों को दिलवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय का मुखिया जिम्मेवार है और वो प्रत्येक बच्चे को ये सुनिश्चित करेगी वो कोई भी बच्चा इन सुविधाओं से वंचित न रहे। धन्यवाद।